नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। वैसे तो आमतौर पे हम सभी लोग अपने घर में काम करते हैं, लेकिन घर में कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कई बार जिन्हें करने में टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिसकी मदद से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। दोस्तों, पहले यूज़फुल ट्रिक की बात करें तो हम सबके घर में चश्मे के ऐसे हर किसी के घर में होते हैं, क्योंकि आजकल तो हर किसी को घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसे ज़रूर होगा जिसको चश्मे चढ़े होंगे। वैसे तो आजकल बच्चों को भी चश्मे चढ़ गए हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस किसी के घर में मिलना बहुत ही आम बात है। तो आज मैं आपको इससे जुड़ी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ। आपके घर में भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है ना इस तरीके की सीज़र को रखने के लिए, कई बार हम अपने पर्स में लेके जाना पड़ता है और कई बार हम ऐसे ही रख देते हैं जिसकी वजह से पर्स में छेद हो जाता है, पर्स अंदर से फट जाता है, या फिर कैंची ही कई बार पर्स से बाहर निकल जाती है, कई बारी हमारे सामान को भी ख़राब कर देती है। तो आप इस तरीके के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं छोटी मोटी सीज़र को रखने में, जिससे कि आपका सामान भी ख़राब नहीं होगा, आपका वेस्ट पड़ा हुआ घर में ये बॉक्स भी रीयूज़ हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आप एक काम और इसमें कर सकते हैं। अगर सीज़र आपके पास नहीं रखनी है आपको, तो आप इसके अलावा जो चार्जर होता है उसे भी इसके अंदर रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि अक्सर चार्जर तो फ़ोन के साथ होता ही है और आज के टाइम पर तो बहुत ज़रूरी है इसे हर जगह लेकर जाना। कभी भी बैटरी लो हो जाती है फ़ोन की तो हमें चार्ज करना पड़ता है, तो उस टाइम पर हम चार्जर को कई बार ऐसे रख देते हैं बैग में, सामान के बीच में दब जाता है नीचे। तो आप इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर जो चश्मे का ऐसे ही बेकार पड़ा होता है घरों के अंदर, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने सामान को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करने में। आई होप कि आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली ऐसी ही एक यूज़फुल ट्रिक को। अगली ट्रिक हमारी यहाँ पर किचन एरिया को लेकर आती है। किचन का जो गैस स्टोव होता है इस पर तो रोज़ ही खाना बनता है तीनों टाइम, लेकिन कभी भी हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि जब कभी भी हम नया नया गैस चूल्हा लेकर आते हैं ना, उस टाइम पे बढ़िया से ये शाइन कर रहा होता है, बहुत अच्छे से इसकी फ्लेम आ रही होती है और खाना बनाने में भी मज़ा आता है। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ही टाइम बाद इसकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है, ये काला सा पड़ने लग जाता है और हमें इसे साफ़ करने का कोई तरीका ऐसा नहीं पता होता। बस हम थोड़ा सा साबुन वगैरह से इसे बढ़िया से साफ़ कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने गैस स्टोव अच्छे से साफ़ कर लिया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद गैस स्टोव की शाइन तो वापस आ ही जाएगी, साथ ही साथ एक और फायदा आपको होने वाला है जिससे हम बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हम सबके घर में जो विनेगर है जो चाइनीज खाने में डाला जाता है वो तो मिल ही जाता है, आजकल बहुत ही आम चीज है। इसके अलावा अगर विनेगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2-3 चम्मच पानी के अंदर आप यहां पर नींबू निचोड़ देंगे बढ़िया से। एक नींबू को आप कम से कम 3-4 चम्मच पानी में निचोड़ दीजिएगा और 2-3 नींबू अगर हो तो ज्यादा पानी में निचोड़िएगा और उसको बढ़िया से गैस स्टोव के ऊपर फैला लीजिए। विनेगर का ही काम करता है अगर विनेगर नहीं है तो। बढ़िया से फैलाने के बाद आपको कोई भी शैम्पू ले लेना है, शैम्पू का एक पूरा पाउच आपको इसके ऊपर डाल देना है। शैम्पू से फायदा ये होता है कि इसकी जो शाइन है वो पूरी तरीके से वापस आ जाती है और दूसरा जो चिकनाई होती है, अक्सर गैस स्टोव पे खाना बनता है रोज़ तो चिकनाई धीरे धीरे करके जमने लग जाती है, जिससे कि हमारा जो गैस स्टोव है गंदा तो दिखता ही है, साथ ही साथ चिकनाई में बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी पनपते हैं। तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, किसी भी गीले कपड़े की मदद से साफ़ कर लीजिए। और इसका एक फायदा और होता है, हमने जो फर्स्ट विनेगर यूज़ किया है ना, विनेगर की जो फ्रेगनेंस होती है उसकी वजह से कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस भी गैस स्टोव के आसपास नहीं आते हैं। इसी के अलावा दोस्तों, अभी आप इस वक्त मेरी वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं अपना शहर का नाम कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ तक देखना पसंद करते हैं। अगली यूज़फुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारी सिंक एरिया को लेकर। जैसे गैस स्टोव हमारे किचन में ज़रूरी है, वैसे ही सिंक एरिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितना ज़रूरी बर्तन धोने के लिए होता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्लीनिंग के लिए भी होता है। लेकिन बर्तन वगैरह तो कई लोग धो देते हैं, लेकिन क्लीनिंग की तरफ कई बार हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक छोटे से ट्रिक यहाँ पे बताती हूँ जिसके बाद इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और आपका किचन एरिया हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो उस काम को करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए किसी भी बेकार पड़े टिफिन या कंटेनर के ढक्कन, जो कि हम अक्सर बेकार समझ के फेंक देते हैं। कई बार टिफिन टूट जाता है, कंटेनर खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, बेकार सा लगने लगता है तो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने की जगह आप
आप इनके ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं और कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जब कभी भी आप किचन में रात के टाइम पे पूरी क्लीनिंग कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा आपको फिनाइल लेना है, जो कि अक्सर हम पोछा वगैरह लगाने में यूज़ करते हैं अपने घरों में क्लीनिंग के लिए फ्लोर की, तो उस टाइम पर थोड़ा सा फिनाइल लेके आपको इस तरीके से डाल देना है जो जाली वाला एरिया है सिंक का। इसके बाद जो बेकार पड़ा हुआ ढक्कन होता है ना, जिसे हम कंटेनर के साथ ही फेंक देते हैं अक्सर डस्टबिन में, तो उसके ढक्कन को आपको इस तरीके से रख देना है रात के समय पे, क्योंकि रात के समय पे जब लाइटें ऑफ हो जाती हैं, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, उस टाइम पे जो छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं ना, कीड़े मकोड़े कान खजूरी, वो सिंक एरिया से अक्सर बाहर आ जाते हैं और फिर पूरे हमारी सफाई पर पानी फेर देते हैं। हमने बढ़िया से किचन साफ करके रखा होता है रात के टाइम पे कि सुबह उठते ही साफ सुथरा किचन देखेंगे और काम शुरू करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि रात भर में ना जाने कितने सारे कीड़े मकोड़े हमारे किचन स्लैब को गंदा कर चुके हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज करिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका किचन एरिया बिल्कुल बढ़िया से क्लीन रहेगा। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।